Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English. You can learn English. Welcome to the ECLE. कैसे हैं आप लोग? I hope आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे. आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है. आज की क्लास प्रैक्टिस क्लास है, जो इस वीक में हमने can be, can have पढ़ा है. उन सेंटेंसेस की, उन वाक्यों की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करेंगे. मैंने कुछ सेंटेंस लिए 10-12, साथ ही साथ आज जो वोकैब है, वोकैबुलरी है, मैंने आज इकट्ठी 10-12 वोकैबुलरी लिख दी हैं. आपको इसके सेंटेंसेस बनाने हैं, इसकी भी हम कैनी में हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे. तो बने रहिए ई शैली के साथ, और साथ ही साथ आप पेन कॉपी लीजिए, इन मीनिंग्स को नोट कीजिए, सेंटेंस बनाइए. तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. आज की क्लास यूजफुल है, इसलिए क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक बने रहें. आई होप यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी, शानदार होगी, और मुझे आशा है कि आप इस प्रकार के सेंटेंस आसानी से बना पाएंगे, आसानी से इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप बोल पाओगे, क्योंकि यह प्रैक्टिस क्लास एक्सरसाइज है. ओके, तो मैंने कुछ सेंटेंस आपके मन से लिए हैं. ओके, तो आप भी ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं. ओके, तो ज़्यादा सेंटेंस नहीं है, लेकिन आज हमारे पास वोकैबुलरी है वो बहुत ज़्यादा है. वोकैबुलरी क्या है आज हमारे पास? ज़्यादा है, लगभग 10 से 11 वोकैबुलरी है. अक्सर मैं इतनी सारी वोकैबुलरी नहीं कराता हूँ, कम क्यों कराता हूँ, ताकि आप याद करते चले जाएं. लेकिन आज प्रैक्टिस क्लास थी, तो मुझे ज़्यादा सेंटेंस लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने वोकैब के माध्यम से भी मैं सेंटेंस बनाने का प्रयास करूँगा. तो बने रहिए इस क्लास में, ई शैली की क्लास में. ओके, मैं पेन उठा लूँ, और फर्स्टली हम क्या करेंगे बताओ, क्या करें? फर्स्टली सेंटेंस बनाएं या हम वोकैबुलरी पे जाएं कि क्या करें? चलो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं, उनके प्रयास प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा. इट इज़ प्रैक्टिस क्लास, पूरा फोकस ऑन द बोर्ड, पूरा फोकस मुझ पर, मैं क्या बोल रहा हूँ आप बिल्कुल रहना चाहिए. ओके, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं रहना यहाँ. और आप इस क्लास को देख रहे हो, तो मेरा अनुरोध है कि आप इस क्लास को थोड़े से शांत माहौल में देखें, एकांत में देखें, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो सकें. ओके, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम वोकैब पे जाते हैं, वोकैबुलरी पर हम जाते हैं. तो पहला क्या है, फर्स्टली सॉरी वोकैब नहीं, सेंटेंस लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस क्या है? फर्स्ट सेंटेंस देखो, आप एक दिन में कितना दौड़ सकते हो, आप एक दिन में कितना दौड़ सकते हो, एक दिन में, ठीक है, आप एक दिन में कितना दौड़ सकते हैं. यू हैव टू ट्रांसलेट, यू हैव टू ट्रांसलेट, थोड़ी सी लॉन्ग सेंटेंस है लेकिन बनेंगे, कैन की है, ठीक है. आप एक दिन में कितना दौड़ सकते हो, हाउ मच, मतलब कितना दौड़ सकते हो, तो क्या बोल सकते हैं कि हाउ मच, आप कितना, हम नाप तो मतलब वो तो कर नहीं सकते, क्या तौल तो सकते नहीं है, ठीक है, हम काउंट तो कर नहीं सकते हैं एक प्रकार से, तो हाउ मच या हाउ मैनी हम बोल लगा सकते हैं. क्या, हाउ मच कैन यू रन इन वन डे, हाउ मच कैन यू रन इन वन डे. ओके, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, हाउ मच कैन यू रन इन वन डे, आप एक दिन में कितना दौड़ सकते हो, वन डे. ओके, तो यह ट्रांसलेशन हो गया, बिल्कुल आसानी से हो गया ना, बिल्कुल यस, बिल्कुल आसानी से ट्रांसलेशन हो गया है. मोहित कहाँ से कहाँ तक चल सकता है, सेकेंड सेंटेंस है, मोहित कहाँ से कहाँ तक चल सकता है. अगर आपने फोकस किया हो कहाँ से कहाँ तक, तो मैंने आपको जब मैं WH वर्ड की सीरीज करा रहा था आपको, तो मैंने आपको बताया था कहाँ से कहाँ तक, क्या बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं, फ्रॉम वेयर टू वेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रॉम वेयर टू वेयर, डस्ट साइड, ठीक है, क्या बोलेंगे, फ्रॉम वेयर टू वेयर, ठीक है. तो मोहित कहाँ से कहाँ तक चल सकता है, चल सकता है, तो फ्रॉम वेयर टू वेयर कैन मोहित वॉक, फ्रॉम वेयर टू वेयर कैन मोहित वॉक, इट इज़ वेरी इजी, आसानी से, ठीक है, ये लिख लेना, मैं इसमें मिटा देता हूँ, ठीक है, फ्रॉम वेयर टू वेयर. और अगर आपने एक क्लास नहीं देखी है तो आप देखो, इसका लिंक है या फिर जो आइकन रहता है उस पर मैं आपको डाल दूँगा, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है. क्या देश में रोजगार नहीं हो सकता है, क्या देश में रोजगार नहीं हो सकता है, क्या देश में रोजगार नहीं हो सकता है, क्या, क्या देश में रोजगार नहीं हो सकता है, क्या, तो बोल सकते हैं, कैन एम्प्लॉयमेंट नॉट बी इन कंट्री, कैन एम्प्लॉयमेंट नॉट बी इन कंट्री, किसका सेंटेंस है, कैन बी का सेंटेंस है, किसका है, कैन बी का सेंटेंस है. तो आई होप इतना आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पा रहे हो,
कर पा रहे हैं ना, बिल्कुल कर पा रहे होंगे। क्या आएगा, कैन, क्या आएगा, कैन इम्प्लॉयमेंट नॉट बी इन कंट्री, किस में हो सकता है, सब्जेक्ट आपको चूज करना है, एवं सब्जेक्ट मिल गई रोजगार इम्प्लॉयमेंट, ओके, तो यू हैव टू चूज द सब्जेक्ट, इस प्रकार के सेंटेंस भी बनाना है, यूज ऑफ देयर वाले सेंटेंस अगर नहीं आते हो तो उनसे आप बना सकते हो, पहले आप यूज ऑफ देयर पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्लास में क्या, यह मेरा परिवार हो सकता है, क्या है, यह मेरा परिवार हो सकता है, यह मेरा परिवार हो सकता है, तो ध्यान रखना मेरा परिवार हो सकता है, यह मेरा, तो इसमें सब्जेक्ट छांटो, सब्जेक्ट बताओ, यह मेरा परिवार हो सकता है, तो क्या आएगा, यह क्या है, यह सब्जेक्ट है, दिस क्या आएगा, दिस कैन बी माय फैमिली, यह जो माय परिवार, यह क्या है, बाद में आएगा, दिस कैन बी माई फैमिली, यह मेरा परिवार हो सकता है, मेरा परिवार या पोजिशन, मैंने आपको बताया है, यह मेरा परिवार हो सकता है, दिस कैन बी माई फैमिली, दिस कैन बी माई फैमिली, यह मेरा परिवार हो सकता है, इट इज़ वेरी ईजी टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस, ओके, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, ओके, आगे बढ़ो, वे लोगों की समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्या है, वे लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, वे, तो ध्यान रखो किसकी समस्या, लोगों की समस्या, कर कौन रहा है, वे कर रहा है, मतलब वे मतलब दे, तो आएगा दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम, दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ पीपल, दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ पीपल, किसकी समस्या, लोगों की समस्या, दे कैन सॉल्व, ध्यान रखना दे कैन सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ पीपल, प्रॉब्लम ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की समस्या, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं दे कैन सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम, अपोस्ट्रॉफी लग जाएगा लेकिन वो अलग मैटर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं आपको क्या दे सकती हूँ, हो गया नेक्स्ट लो, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, ऐसा क्या है मैं आपको दे सकता हूँ, ध्यान रखना बोर्ड पर, ठीक है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, क्या, तो क्या आएगा, मैं आपको, तो व्हाट कैन आई गिव यू, व्हाट कैन आई गिव यू है ये आपको, ये कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट चला जाएगा, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, व्हाट कैन आई गिव यू, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, व्हाट कैन आई गिव यू, अंडरस्टैंड आया समझ, बिल्कुल आ गया होगा, व्हाट कैन आई गिव यू, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षक केवल बच्चों को समझा सकते हैं, शिक्षक केवल बच्चों को समझा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समझा कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या कहेगा, टीचर कैन एक्सप्लेन, टीचर कैन एक्सप्लेन ओनली चिल्ड्रन, ठीक है, या टीचर कैन एक्सप्लेन चिल्ड्रन ओनली, ठीक है, बच्चों केवल बच्चों को समझा सकते हैं, ठीक है। क्या तुम्हारा भाई मासूम नहीं हो सकता है, ये सेंटेंस कई बार मैंने रिपीट कर दिया ये वाला क्या तुम्हारा भाई मासूम नहीं हो सकता है, क्या तुम्हारा भाई मासूम नहीं हो सकता है, होना बी का सेंस आ रहा है, बी का, ठीक है, तुम्हारा भाई, ध्यान रखना इसमें आप चक्कर में नहीं पड़ना, तुम्हारा भाई, ध्यान रखना चक्कर में नहीं पड़ना कि कैन हैव से बनेगा, ठीक, क्योंकि इसकी क्या मासूम मतलब इनोसेंट मतलब इसकी पहचान वो बता दी, क्या बता दी, इसकी क्वालिटी बता दी, मतलब बी से होगा, क्या तुम्हारा भाई मासूम नहीं हो सकता है, कैन योर ब्रदर नॉट बी इनोसेंट, कैन योर ब्रदर नॉट बी इनोसेंट, नॉट बी इनोसेंट, क्या तुम्हारा भाई मासूम नहीं हो सकता है, बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा, फोकस ऑन द वर्ड, सेंटेंस थोड़े एडवांस हैं, आसान वाले सेंटेंस नहीं है, थोड़े से, सुरेंद्र के पास नौकरी हो सकती है, यह सेंटेंस आसान है, सुरेंद्र के पास नौकरी हो सकती है, किसके पास हो सकती है नौकरी, सुरेंद्र के पास, तो बोल सकते हैं सुरेंद्र कैन हैव जॉब, इट इज ईजी, सुरेंद्र कैन हैव जॉब, सुरेंद्र के पास नौकरी हो सकती है, ये भी हमने बना दिया, सुरेंद्र कैन हैव जॉब, सुरेंद्र के पास नौकरी हो सकती है, ठीक है। मीडिया किसके बारे में खबर लिख सकता है, मीडिया किसके बारे में खबर लिख सकता है, किसके बारे में, यह भी मैंने आपको पढ़ाया है सीरीज़ में, किसकी सीरीज़ में पढ़ाया है, जब मैं सीरीज़ करा रहा था डब्ल्यू एच वर्ड की, किसकी डब्ल्यू एच वर्ड की, ठीक है, किसके बारे में, किसके, तो आएगा अबाउट होम, क्या आएगा, यहाँ नीचे दिख रहा है ना, अबाउट होम, अबाउट होम मीन्स होता है किसके बारे में, ठीक है, तो आई होप यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, क्या है, मीडिया किसके बारे में लिख सकता है, तो अबाउट होम, किसके बारे में खबर लिख सकता है, क्या लिख सकता है, खबर, तो अबाउट हुम कैन मीडिया राइट न्यूज़, अबाउट हुम कैन मीडिया राइट न्यूज़ लिख सकता है, ठीक है, राइट मीन्स लिखना, बिल्कुल हो गया, न्यूज़ खबर मीन्स न्यूज़ होता है, ठीक है। देश की जनता मजबूत हो सकती है, इसको मैं बता दूँ, देश की जनता क्या हो सकती है, मजबूत हो सकती है,
देश की जनता मजबूत हो सकती है, हो सकती है देश की जनता, क्या होता है देश की जनता, देश की जनता ये आसान है। पब्लिक ऑफ कंट्री, पब्लिक ऑफ कंट्री कैन बी स्ट्रांग, पब्लिक ऑफ कंट्री कैन बी स्ट्रांग, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार हमें बनाना है। उसके पास अच्छा मकान हो सकता है, उसके पास अच्छा मकान हो सकता है, अच्छा मकान क्या हो सकता है, अच्छा मकान, ध्यान रखना, उसके पास अच्छा मकान हो सकता है, मतलब ही कैन हैव गुड हाउस, ही कैन हैव गुड हाउस, इट इज़ वेरी इजी, ही कैन हैव गुड हाउस, बन गया ना, बिल्कुल बन गया, ठीक है। क्या तुम मुझे तैरना सिखा सकते हो, क्या तुम मुझे तैरना सिखा सकते हो, ध्यान रखना ये कैनी से बनेगा, ये मेरे से बनेगा, पोलाइट नहीं बोल रहा क्योंकि तुम है, अगर आप होता तो यू मतलब यू हो जाता पोलाइटली। तो कैन यू लर्न स्विमिंग, कैन यू लर्न स्विमिंग बोल सकते हो, कैन यू लर्न स्विमिंग मी, ठीक है मी आएगा, ठीक है, कैन यू लर्न स्विमिंग मी। तो यह क्या है सेंटेंसेस थे, तो आई होप आप समझे होंगे इसके कैसे एक्सरसाइज करने, प्रैक्टिस करनी है, आप भी ऐसे सेंटेंस बनाइए, आप भी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंस बनाइए। कल की जो क्लास थी इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द सेंटेंसेस, सेंटेंस के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है। जो मॉर्निंग की क्लास थी मॉर्निंग मैंने इंग्लिश में वीडियो शूट किया था, ऐसे ऐसे बैठा था कर दिया, ठीक है कर दिया, तो वो तो ऐसे कर दिया, लेकिन जी कल की जो क्लास थी वो किसकी क्लास थी, सेंटेंस वाले, सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो सेंटेंस वाली क्लास नहीं देखी तो देख सकते। तो ये आपकी सेंटेंस की प्रैक्टिस थी, ओके। उसके बाद हम आगे जाते हैं वोकैबुलरी पर, ठीक है। तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी इन मीनिंग्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रफ, मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ओके। कहीं नहीं जाना, अभी नेक्स्ट पार्ट रह गया है, ओके। तो हम इसको मिटा देते हैं, मिटाएं, ओके मिटा दे। अगर इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट 1, 2, 3, ओके। थैंक्स फॉर टेकिंग द स्क्रीन शॉट, जिसको लेना वो ले लिया, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वोकैबुलरी को क्या करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम सेंटेंस तो हम बनाएंगे ही, हम तो सेंटेंस बनाएंगे ही, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया, वो आराम से बिटाओ, ठीक है। तो फर्स्ट मीनिंग है, फर्स्ट मीनिंग देख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मॉल उसमें लिखा है, वर्ड में लिखा है, इसलिए आई विल हैव टू एक्सप्लेन, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो फर्स्ट मीनिंग आप देख रहे होंगे, फर्स्ट मीनिंग देख लो क्या है, आई थिंक यहाँ पर ये लिटरेरी वर्कशॉप, यहाँ तक है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा ड्यू टू द लाइट, ओके। तो ये लिखा है लिटरेरी, एल आई क्या है, एल आई टी ई आर ए डबल एल वाई, क्या है लिटरेरी, लिटरेरी मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है साहित्यिक, क्या होता है साहित्यिक, ठीक है, यस अब दिख रहा होगा, लिटरेरी मीन्स क्या होता है साहित्यिक, जो हम मतलब लिटरेचर से रहता है एक जनरल तौर पर बोल सकते हैं साहित्यिक, ठीक है, क्या हो साहित्यिक मतलब लिटरेरी। तो इसका हम सेंटेंस बनाए, तो हम कैसे बना सकते हैं सेंटेंस, यू हैव टू थिंक एंड आई एम थिंकिंग, मुझे भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इस प्रकार के मीनिंग आते नहीं है, ठीक है। तो साहित्यिक तो बोल सकते हैं आपके पास साहित्यिक ज्ञान हो सकता है, आपके पास साहित्यिक ज्ञान हो सकता है, मतलब यू कैन हैव लिटरेरी नॉलेज, यू कैन हैव लिटरेरी नॉलेज, समझ में आ रहा है ना, लिटरेरी नॉलेज साहित्यिक ज्ञान, तो आपके पास क्या हो सकता है साहित्यिक ज्ञान हो सकता है, यू कैन हैव लिटरेरी नॉलेज, एक्चुअली इट इज़ द एडजेक्टिव, यह अपना क्या है एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ हम नाउन का यूज़ कर साहित्यिक ज्ञान, तो आपके पास क्या हो सकता है साहित्यिक ज्ञान हो सकता है। तो आई होप ये तो फर्स्ट हो गया, आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, लिटरली मीन्स को तो साहित्य, ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग क्या है, इसको मिटा दूंगा, ये भी नहीं दिख रहा होगा आपको, मुझे पता है थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा, ये क्या है वर्कशॉप, क्या है ये, इसको ये लिखा है वर्कशॉप, वर्कशॉप मीन्स क्या होता है कार्यशाला, क्या होता है कार्यशाला, या हम कार करते हैं, ठीक है कार करते हैं, या हम बोल सकते हैं कारखाना भी हम बोल सकते हैं, या जहाँ पर हम जो कोई प्रकार का वर्कशॉप वर्क करते हैं, लैब भी हो सकती है आपका, फैक्ट्रीज भी हो सकते हैं, बहुत बड़ी स्कूल्स हो सकती हैं, मतलब टीचर्स के लिए स्कूल, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, तो ये मेरे लिए क्या है वर्कशॉप, मैं क्या काम कर रहा हूँ या पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कार्यशाला मीन्स क्या होता है वर्कशॉप, वर्कशॉप मीन्स क्या होता है कार्यशाला। तो इसका सेंटेंस बनाओ, इसका सेंटेंस कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे कि मैं
कार्यशाला में हो सकता हूँ, मैं कार्यशाला में हो सकता हूँ, आई कैन बी इन द वर्कशॉप, क्या आएगा, मैं कार्यशाला में हो सकता हूँ, मीन्स वर्कशॉप में हो सकता हूँ, आई कैन बी इन द वर्कशॉप, आई कैन बी इन द वर्कशॉप मतलब मैं कार्यशाला में हो सकता हूँ, आई कैन बी इन द वर्कशॉप, तो आइए समझे, यस बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है, इसको मिटा दूँ, ये अच्छा लगा ना, बड़ा एक मीनिंग लिया उसका, एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बीट, क्लास लंबी हो रही है, तो ऐसा नहीं कि क्लास छोड़कर भाग जाओ, लेकिन इट इज़ वेरी नेसेसरी टू यू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ओके, इसलिए क्लास छोड़कर नहीं भागना बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है, पर क्या इम्पल्स, ये क्या लिखा मैंने, इम्पल्स, ये मुझे अच्छा लगा, इम्पल्स मीन्स क्या होता है, लालसा, ठीक है, लालसा बोल सकते हैं, या फिर हम प्रेरणा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम प्रेरणा बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, तो क्या है लालसा, इसका इम्पल्स, आई एम पी यू एल एस ई, ठीक है, थोड़ा और क्लियर कर दें, आई एम पी यू एल एस ई, इम्पल्स, शायद मैं इसका एक आध बार मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे भी याद नहीं है, इम्पल्स मीन्स क्या होता है, प्रेरणा होता है, लालसा होता है, या फिर इंस्पिरेशन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इंस्पिरेशन हो सकती है, तो बोल सकते हैं आपको आपको पढ़ने की लालसा हो सकती है, आपको या क्या आपको पढ़ने की लालसा, क्या उसे पढ़ने की लालसा हो सकती है, उसे मीन्स ही, क्या उसे पढ़ने की लालसा हो सकती है, तो कैन ही हैव, लालसा होना पास होना, ठीक है, लास्ट में पढ़ना अलग है, ये भी नाउन की तरह है, तो कैन ही हैव इम्पल्स ऑफ एजुकेशन, इम्पल्स ऑफ स्टडी, ठीक है, कैन ही हैव इम्पल्स ऑफ स्टडी मीन्स होता है लालसा, ठीक है, तो ये वर्कशॉप हो गया, इम्पल्स हो गया, ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्या है, ऐड, ऐड मीन्स क्या होता है, ऐड मीन्स क्या होता है, सहायता करना या फिर चिकित्सा, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि डॉक्टर मरीज की चिकित्सा कर सकते हैं या फिर इलाज कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, ठीक है, तो या फिर सरकार तुम्हें सहायता दे सकती है, मतलब गवर्नमेंट कैन ऐड यू, बन गया सेंटेंस, इट्स वेजी, ठीक है, सहायता, ठीक है, तो आई होप आपको यह सहायता, आपको यह आपको भी याद हो जाएगा, गवर्नमेंट कैन एड्यूस, आपको सहायता मिल सकती है, ठीक है, आए समझे, आ गया होगा आई थिंक, भागना नहीं कोई भी बिल्कुल भी, क्योंकि यह इट इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीनिंग है, और अक्सर आपको यह नहीं मिलेगा, ये क्या है, कल्पनाशील, कल्पना, इमेजिनेटिव, क्या बोलते हैं, इमेजिनेटिव, ई एम आई एम ए जी आई एन ए टी आई वी, ठीक है, इमेजिनेटिव मीन्स क्या होता है, कल्पनाशील, क्या होता है, कल्पनाशील, क्या होता है भैया, कल्पनाशील, ठीक है, कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, क्या है, ध्यान से देखना है, ठीक है, इमेजिनेटिव मीन्स क्या होता है, कल्पनाशील, कल्पनाशील, जो इमेजिनेट थिंक, जो हम कल्पना कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इमेजिनेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव मीन्स कल्पनाशील, अब कल्पनाशील क्यों है, आपकी इमेजिनेटिव सोच, क्योंकि आप इमेजिनेशन कर सकें, यदि आप प्लान बना रहा है तो उसका इमेजिनेशन करेंगे, क्या हुआ, जैसा कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, या आप टीचर बनना चाहते हो, या आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो आप सोचोगे ना, इमेजिनेटिव थिंक रहेगी कि हैविंग मतलब बन, अगर मैं डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, वजह से मैं क्या करूँगा, तो उसकी इमेजिनेटिव थिंकिंग, फ्री प्लानिंग, इमेजिनेशन करके, ठीक है, वैसी कल्पनाशील सोच, ठीक है, तो क्या है, इमेजिनेट कल्पना सोच, मतलब बोल सकते हैं आपकी कल्पनाशील सोच हो सकती है, आपकी कल्पनाशील सोच हो सकती है, आपकी क्या कल्पनाशील सोच, यू कैन हैव इमेजिनेटिव थिंकिंग, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ना, बिल्कुल हो गया, मिस इमेजिनेटिव, दूसरा है फेवरेबल, क्या है, फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल, ठीक है, एफ ए वी ओ आर ए बी एल, ठीक है, फेवरेबल मीन्स क्या होता है, अनुकूल, या फिर हम लाभदायक बोल सकते हैं, लाभदायक हो सकते हैं, ठीक है, अनुकूल, जहाँ पर ऐसा, जैसे ये वातावरण है, तो क्या है, फेवरेबल है, अनुकूल है, तो हम बोल सकते हैं यह वातावरण अनुकूल हो सकता है, यह वातावरण अनुकूल हो सकता है, मतलब दिस एटमोसफेयर कैन बी फेवरेबल मीन्स अनुकूल, नेक्स्ट दूसरी मीनिंग क्या है, लाभदायक, क्या है, लाभदायक, तो बोल सकते हैं ज्ञान तुम्हारे लिए लाभदायक हो सकता है, नॉलेज कैन बी फेवरेबल फॉर यू, हो सकता है, नॉलेज कैन बी
फेवरेबल टू यू, ठीक है, बोल सकते तुम्हारी फॉर यू, ठीक है। दूसरा है हार्नेस, एच ई आर हार एन ई एस नेस, ठीक है। हार्नेस मीन्स इसको क्या बोलते हैं, उपयोग करना बोल सकते हैं, यूज करना, यूटिलाइज करना, उपयोग करना, ठीक है। तो मैं मोबाइल को उपयोग कर सकता हूँ, आई कैन हार्नेस ऑफ मोबाइल, बिल्कुल इट इज़ ईजी, ठीक है। हार्नेस क्या, उपयोग करना, हार्नेस इसका मीन्स क्या होता है, उपयोग करना, ठीक है। आई समझ, एक एक को मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास लंबी हो सकती है, बट यू डोंट हैव टू लीव, आपको क्लास लीव नहीं करना है, ध्यान से रहना, बने रहना ECLE के साथ में, ठीक है, वीडियोज़ के साथ में, बहुत ज़्यादा यूजफुल, कोई नहीं बताया, इतने एक्सप्लेन कोई करता ही नहीं है, सीधी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मीनिंग क्या है, इसको भी देख लो, नेक्स्ट मीनिंग क्या है, देखो ध्यान से, क्या है, कॉन क्योर, CON, कॉन QUAER, कॉन क्योर मीन्स क्या होता है, कॉन क्योर मीन्स होता है जीत या जीतना, ठीक है। तो कौन क्योर बोल सकते हैं, मैं मैच जीत सकता हूँ, आई कैन कौन क्योर मैच है, आई कैन विन मैच, जीतने या फिर विन करना मीन्स कौन क्योर हो सकते हैं, या फिर जीत, ठीक है, ये जीत, तो यह आपकी बड़ी जीत हो सकती है, इट कैन बी योर बिग कौन क्योर, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। दूसरा अपेक्स, अपेक्स मीन्स क्या होता है, APX, अपेक्स, अपेक्स मीन्स क्या होता है, अपेक्स कौन क्योर हो गया ना, अपेक्स मीन्स होता है सर्वोच्च, क्या है, अपेक्स मीन्स क्या होता है, सर्वोच्च, तो बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च है, मतलब किसका फैसला, सुप्रीम कोर्ट का, तो सबसे पहले फैसला, फैसला मीन्स वर्डिक्ट, ठीक है, तो वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी, हो सकता है, सॉरी हो सकता है, सर्वोच्च हो सकता है बनाना, तो वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपेक्स, ठीक है, वर्डिक्ट ऑफ क्या है, वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपेक्स, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च हो सकता है, ठीक है। दूसरा है मेयरली, ये मुझे बहुत अच्छी मीनिंग लगी, मतलब केवल या ही, ठीक है, केवल या ही, ठीक है, तो बोल सकते हैं मैं भी यहाँ हो सकता हूँ, मैं भी यहाँ हो सकता हूँ, मतलब आई कैन बी मेयरली हेयर, आई कैन बी मेयरली हेयर, मैं भी यहाँ हो सकता हूँ, ये बना सकते हैं, या फिर केवल ही बना सकते हैं, केवल को कर सकता हूँ, मैं केवल आपको पढ़ा सकता हूँ, आई कैन मेयरली टीच यू, आई कैन मेयरली टीच यू, या फिर मैं ही आपको पढ़ा सकता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी मीनिंग लगी ये अपेक्स, इट इज़ माई फेवरेट मीनिंग, ठीक है। दूसरा है एलिमेंट्री, एलिमेंट मीन्स क्या होता है, प्राथमिक या फिर प्रारंभिक, इसको मिटा दूँ मैं पहले, फिर नेक्स्ट लेता हूँ मैं, नेक्स्ट मीनिंग क्या है ये पता, नेक्स्ट मीनिंग क्या है, एलिमेंट्री लास्ट है इसके, ये लास्ट बट नॉट लीस्ट है, ओके, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मीन्स होता है प्राथमिक या फिर प्रारंभिक, ठीक है, प्राथमिक या फिर प्रारंभिक, ठीक है, थोड़ा सा प्राथमिक या फिर प्रारंभिक बोल सकते हैं, थोड़ा सा आसपास क्लियर कर देते, ठीक है। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मीन्स मैंने क्या बताया, प्राथमिक या फिर प्रारंभिक, बोथ कैन बी, प्राथमिक या फिर प्रारंभिक हो सकती है, क्या इसको भी हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री, क्या है, एलिमेंट्री, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं, बना सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए आवश्यक हो सकती है, महत्वपूर्ण हो सकती है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या फिर प्रारंभिक शिक्षा भी हम बोल सकते हैं, प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन। तो यह आपकी मीनिंग्स थी, आपकी वोकैबुलरी थी, मैंने प्रैक्टिस पर आज की क्लास में थोड़ी सी लंबी होगी, तो आपको क्लास कैसे लगी, आपको कोई डाउट हो, शक हो, यू कैन आस्क वेरी फ्रिक्वेंटली, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मंडे को, हो सकता है सैटरडे और संडे बीच में एक आध वीडियो में ले आऊँ, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खूब सारे इसके सेंटेंस बनाइए, आपको कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है, कम से कम 10-12 सेंटेंस के इंग्लिश सेंटेंस लिखा और क्या लिख दिए, उसका सेंटेंस बना लीजिए, सॉरी मीनिंग लिखा और सेंटेंस बना दिए, कर सकते हैं आसानी के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत सारे सेंटेंस बनाए दो दिन में, ठीक है, और हम कुछ नया लेकर आऊँगा मंडे को, ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।